आप में से कोई नहीं है जो पहली बार एग्जाम देने जा रहा है, मतलब कि आपने बहुत सारी एग्जाम दे चुके हैं और अब तो आप प्रकार से एग्जाम के इस दौर से आखिरी छोर की तरफ पहुंच चुके हैं। इतना बड़ा समंदर पार करने के बाद किनारे पर डूबने का डर ये तो दिमाग में बैठता नहीं है। तो पहली बात है कि आप मन में एक बार तय कर लीजिए कि परीक्षा जीवन का एक सहज हिस्सा है, हमारी विकास यात्रा का छोटे 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 पड़ाव है और उस पड़ाव से हमें गुजरना है और गुजर चुके हैं। जब इतनी बार हम एग्जाम दे चुके हैं, एग्जाम देते 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 एक प्रकार से हम एग्जाम प्रूफ हो गए हैं और जब ये विश्वास पैदा हो जाता है तो ये नहीं, आने वाली किसी भी एग्जाम के लिए ये अनुभव अपने आप में आपकी ताकत बन जाते हैं। इसे आपके इन अनुभव को जिस प्रक्रिया से आप गुजरे हैं उसको आप कतई छोटा मत मानिए। दूसरा, ये आपके मन में जो पैनिक होता है, क्या ये तो नहीं है कि प्रिपेयर्डनेस में कमी है? कहने को तो हम कुछ कहते होंगे लेकिन मन में रहता है। मेरा आपको सुझाव है, अब एग्जाम के बीच में समय तो ज्यादा है नहीं, इस बोझ को जीना है कि जो किया है उसमें विश्वास भर करके आगे बढ़ना है।